जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हो, मैंने जो टाइप किया हुआ है, जो वैल्यू है 220 डिग्री 20 मिनट 50 सेकंड है, ठीक है। तीनों के ऊपर जो सिंबल है ना, आपका डिग्री का ही दिखा रहा है, पर वो डिग्री का नहीं है। फर्स्ट वाला आपका डिग्री का है, सेकंड वाला मिनट का है, और थर्ड वाला जो है सेकंड का है। तो ये करना कैसे, जैसे मेरे को ये टाइप करना है, तो सबसे पहले मैंने 220 टाइप किया, फिर इस की को प्रेस किया एक बार, तो इसके ऊपर एक ऐसे डॉट लग जाएगी, तो ये डिग्री हो गया। अब मुझे मिनट करना है, तो मैंने 20 टाइप किया और फिर दोबारा इस बटन को प्रेस किया, तो एक और डिग्री का मार्क लग गया, ये हो गया मिनट। फिर मैंने 50 टाइप किया और दोबारा इस बटन को प्रेस किया, तो एक और ये सिंबल लग गया, तो ये हो गया 22 डिग्री 20 मिनट 50 सेकंड। अब आपको इसमें कुछ भी प्लस करना है, तो फिर प्लस का मार्क करके फिर ऐसे ही टाइप करना होगा। मान लो 50 डिग्री 10 मिनट और 10 सेकंड आपको इसमें ऐड करना है, तो वही सब ऐसे टाइप करोगे, ऐड करोगे तो सिंपली ऐड हो जाएगा। तो ये जो कंपास के जो प्रॉब्लम्स हैं, इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको अगर ऐसे कैलकुलेट करते हो कैलकुलेटर से, ठीक है। FX 100 ms में ये बटन जो है आपका, जिसपे कॉमा कॉमा से लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल है आपका। द बेयरिंग ऑफ द लाइन क्लोज ट्रेवर्स आर गिवन बिलो डिटरमाइन द स्टेशन अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन करेक्टेड बेयरिंग। इसमें आपको लाइंस को देख के पता चल जाएगा कि क्लोज है कि ओपन है। न्यूमेरिकल में तो लिखा हुआ है, लेकिन आपको लाइन से, अगर ये लास्ट वाली जो लाइन है वो फर्स्ट वाली लाइन पे फिनिश हो रही है, तो आपका ये क्लोज ट्रेवर्स होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग गिवन है। हमें निकालना क्या है, हमें इन बेयरिंग में कोई लोकल अट्रैक्शन की वजह से कोई करेक्शन होना है, तो हमें करेक्ट बेयरिंग निकालनी है। और ये क्या है आपका, क्लोज ट्रेवर्स है। अगर ये क्लोज ट्रेवर्स है और इसमें आपको फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग को करेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको इंक्लूडेड एंगल फाइंड करने होंगे, और उसके बाद आपको फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग करेक्ट करनी होगी। तो सबसे पहला स्टेप जो स्टेप बाय स्टेप कर स्टेप है, जो भी बैक यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, सबसे पहली लाइन है आपकी पी क्यू। सबसे पहले आप ये ऐसी इस तरीके से एक बना लो आप, ठीक है, नॉर्थ के लिए, और ये पॉइंट है आपका पी। पी से क्यू जो फोर बेरिंग है आपकी 73 है, तो 73 कुछ आपकी यहाँ पे आएगी, ठीक है। रफ डायग्राम है ये, आपका हो गया पी और ये हो गया आपका क्यू। क्यू आर की जो फोर बेरिंग, देखो आप केवल फोर बेरिंग से बन जाएगा ये क्यू आर। फोर बेरिंग है 113 डिग्री 50 मिनट, नॉर्थ से काउंट होता है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो 113 डिग्री यानी कि ये 90 डिग्री है, तो लगभग आपका यहाँ पे, ये क्या हो गया आपका आर, पी क्यू आर। अब आता है एस। अब आपके जो आर एस की जो रीडिंग है फोर बेरिंग, वो है 164, तो 164 लगभग यहाँ आएगी, ठीक है। यह है आपका एस। उसके बाद है टी, 223, 223 यानी कि यहाँ से जाएगी 223, ठीक है। यह पॉइंट हो गया टी। और आपका फिर क्या है टी पी, 303, 303 यहाँ से जाएगी और पी पे कनेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से क्लोज ट्रेवर्स हो गया, यानी कि फोर बेरिंग से आपका क्लोज ट्रेवर्स बन गया। आपको इंटीरियर एंगल ये निकालने हैं, जिसकी हेल्प से बाद में आप इन बेरिंग को करेक्ट कर लोगे, ठीक है। ये तो रफली डायग्राम कैसे बनाते हैं वो हो गया। ये मैंने बनाया हुआ, इधर देख लो, यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा क्लोज ट्रेवर्स बनाया हुआ है। इंटीरियर एंगल लिखे हुए हैं, लेकिन कैसे कैलकुलेट करनी है वो, तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करनी है। सबसे पहला स्टेप, टेबल आप बना लोगे। टेबल बनाने के बाद आप इसको ड्रॉ करोगे। ड्रॉ करने के बाद है आप इंटीरियर एंगल को कैलकुलेट करोगे। इंटीरियर एंगल की इक्वेशन क्या है, ये आपकी टेबल बन गई। इस तरह से आप टेबल बना लोगे, जिसमें आपका लाइन दिया हुआ है, फोर बेरिंग, बैक बेरिंग, इंक्लूडेड एंगल। तो ये जो इंक्लूडेड एंगल आएगा, ये इनकरेक्ट आएगा, क्योंकि आपकी बेरिंग में लोकल अट्रैक्शन की वजह से कुछ करेक्शन है।
तो जो इंक्लूड एंगल आप निकालोगे गिवन फॉर बेरिंग और बैक बेरिंग से इनकरेक्ट आएगा, तो इसकी एक कॉलम बन जाएगा इनकरेक्टेड इंक्लूड एंगल। फिर उस इनकरेक्ट एंगल को आप करेक्ट करोगे तो उसके लिए एक कॉलम बन जाएगा। फिर जब आपका इंक्लूडेड एंगल करेक्ट हो जाएगा तो उसकी हेल्प से आप करेक्ट फॉर बेरिंग और करेक्ट बैक बेरिंग कैलकुलेट करोगे। तो इस तरीके से पूरी एक टेबल बन जाएगी। ठीक है, अब हम निकालेंगे कैसे इंक्लूडेड एंगल। तो इंक्लूडेड एंगल को निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है, एंगल ये हो गया इंक्लूडेड एंगल, ये इज इक्वल टू होता है बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस फॉर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। ठीक है, ये इक्वेशन से आप सॉल्व कर सकते हो इंक्लूडेड एंगल। बस इसमें एक कंडीशन याद रखना कि अगर आपका इंक्लूडेड एंगल ग्रेटर देन 180 है तो आपको फिर इसमें से क्या करना होगा, 360 माइनस करना होगा। ये ध्यान रखना है, यानी कि इस इक्वेशन की हेल्प से आप इंक्लूडेड एंगल निकालोगे, जो भी इंक्लूडेड एंगल 180 360 एंगल हो जाएगा। अब हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके इंक्लूड एंगल निकालेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना। फर्स्ट जो लाइन है पी क्यू, इसकी फोर बेरिंग गिवन है, बैक बेरिंग गिवन है, तो हमें इंक्लूडेड एंगल निकालना है। तो इंक्लूडेड एंगल का फॉर्मूला क्या है, बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। कोई मेरे को बताएगा कि पी क्यू की बैक बेरिंग क्या होगी, बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। फोर बेरिंग तो है हमारे पास, यही फोर बेरिंग क्या होगी, वो ये जो है यहाँ पे इस लाइन की जो गिवन फोर बेरिंग है पी क्यू की, वही फोर बेरिंग होगी नेक्स्ट लाइन की। लेकिन बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन क्या होगी, कोई बताओ मेरे को। अमित राव बताओ। हर्ष चंडल बताओ भाई, कौन सी होगी लाइन। देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो। ये लाइन है आपकी पी क्यू, ठीक है, ये इसकी हो गई आपका क्या कहते हैं फोर बेरिंग, जो आपका 73 के लगभग दिया हुआ है। पी क्यू पे कौन सी लाइन आ रही है, टी पी, ये जो आ रहा है आपका, ये टी पी, टी पी यही तो आ रहा है। तो टी पी की जो बैक बेरिंग होगी, ये बैक बेरिंग है, यही आपकी होगी प्रीवियस लाइन की बैक बेरिंग। ठीक है, तो मैं ब्लू कलर से इसको शो करता हूँ कि ये वाला इंक्लूडेड एंगल जो आपको निकालना है, ये कैसे निकलेगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ फॉर बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, यानी 123 डिग्री 45 मिनट माइनस 73 डिग्री 40 मिनट, तो आपको ये निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट लाइन में, ये हो गया आपका पी क्यू हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन में क्यू आर। अब क्यू आर का जो आप देखोगे, एक सेकेंड, क्यू आर का अगर देखोगे आप, क्यू आर में जो एंगल निकालना है, तो क्यू आर से, क्यू आर पे प्रीवियस लाइन कौन सी है, पी क्यू, तो पी क्यू की आपकी ये हो गई बैक बेरिंग, ये हो गई फोर बेरिंग, इन दोनों को अगर तुम माइनस कर दोगे तो आज क्या आ जाएगी आपके पास, इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं हम आर एस की। आर एस में इसके प्रीवियस लाइन आर एस की कौन सी है आपकी, क्यू आर, तो बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंक्लूडेड एंगल। फिर आते हैं एस टी पे। एस टी के लिए प्रीवियस बैक बैक बेरिंग क्या है, 344 डिग्री, और नेक्स्ट लाइन फोर बेरिंग क्या है, ये है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं टीपी पे। टीपी पे और पीक्यू पे, जो फर्स्ट रीडिंग है ना और सेकंड लाइन जो है, इन दोनों पे थोड़ा, फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन पे थोड़ा ध्यान देना होता है। लास्ट लाइन है टीपी, टीपी में फोर बेरिंग तो हो गई आपके 303, ठीक है, और बैक बेरिंग क्या हो गई आपकी,
ठीक है, 43 माइनस 303। अब यहाँ पे जो एंगल आएगा ना वो 180 से ज़्यादा आएगा, तो उसमें से 180 माइनस करना होगा। तो यहाँ पर जो ये एंगल आएगा माइनस 180। तो इस तरीके से आप टेबल में इक्वेशन को लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं इंटीरियर एंगल। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ, इंक्लूडेड एंगल निकालने में क्लोज टेबल्स में। पूछना है किसी को इसमें कुछ? अरे कुछ हाँ हूँ तो कुछ तो बोलो, पता तो चले मुझे कि कनेक्शन चल रहा है नहीं चल रहा, इंटरनेट चल रहा है नहीं चल रहा। पता चला इंटरनेट ही नहीं चल रहा। हाँ हूँ, बोल दो। सर बस एक सवाल पूछना है सर। हाँ, पूछो। सर इंटरनल एंगल मेथड और बेयरिंग मेथड से आंसर दोनों सेम आएंगे हाँ, सर? फिर मेरा कुछ ये बताओ, ये एक बताओ मुझे। एक दो तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, एक ओपन ट्रेवर्स और क्लोज ट्रेवर्स। क्लोज ट्रेवर्स नहीं में सर, मैं एक चीज बोलना चाह रहा आपको था कि मैं क्वेश्चन कर रहा था, दोनों मेथड से मैंने करा तो एक एक डिग्री का डिफरेंस आ गया दोनों में आंसर में। मेरे को भेजना, मैं चेक कर लूँगा एक बार। ठीक है, हो सकता है कुछ गलती हो ठीक कैलकुलेशन में। ठीक है, कैसे कर रहे थे कैलकुलेशन, कैलकुलेटर से? यस सर। हाँ ठीक है, बता भेज देना, मैं देख के आपको बता दूंगा। ये वाला तो समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट? नो सर। ठीक है, इंक्लूडेड एंगल निकल चुका है, अब क्या करना है, इसका सम करना है, सारे इंक्लूडेड एंगल का सम करना है। यहाँ पे सम की इक्वेशन बताओ कोई, वेरीफाई करने के लिए कि सम करेक्ट आ रहा है नहीं किसी क्लोज ट्रेवर्स में। बताओ, ये तो मैंने ऑब्जेक्टिव में ही पूछा था। जो आपका ये इंक्लूडेड एंगल जो है, जब इसका हम सम कर लेंगे तो कैसे वेरीफाई करेंगे कि सम सही है या नहीं? अगर वो माइनस कर देंगे ना 540 से, अगर ये 5 डिग्री, मतलब एक फॉर्मूला होता है ना 2n-1 हाँ, फॉर ए टू नाइनटी वाला, तो इसके लिए वो फॉर्मूला ही तो पूछ रहा हूँ मैं, क्या होता है फॉर्मूला बताओ। 540 तो आता है, 2n-4 90। इंटू 90, 2n-4 इंटू 90, n हो गया नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो ये अगर हमारा आ रहा है 540, और मान लो आपका जो इंक्लूडेड एंगल आपने निकाला है वो आ रहा है 539। सर ठीक है, 540 डिग्री 40 मिनट आ रहा है। 40 मिनट आ रहा है, मतलब ये जो इंक्लूड एंगल हम निकाले हैं इनका यस सम। सर, यस सर। हाँ ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी जो भी आ रहा है, अगर जो भी मान लो 5 डिग्री ज़्यादा आ रहा है या 5 डिग्री कम आ रहा है, तो उतना ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके ना करेक्शन हमें करेक्टेड इंक्लूडेड एंगल निकालने होंगे। मान लो 25 मिनट है आपका, और ये कितने एंगल है, 5 एंगल है, तो क्या होगा, 25 डिग्री यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है सभी एंगल में। तो 5 5 मिनट जो होगा, 25 सॉरी 25 मिनट होगा, 25 मिनट एरर आ रहा है, तो उसको 25 मिनट ज़्यादा आ रहा है एरर। अगर समेशन ऑफ इंटीरियर एंगल का जो 25 मिनट अगर एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 5 5 मिनट आपको हर इंक्लूडेड एंगल में से माइनस करने होंगे। एज्यूम करो कि 25 मिनट कम आ रहा है, यानी 25 मिनट कम का मतलब कितना हो गया, ये 539 डिग्री और 35 मिनट, ये आ रहा है सम, जबकि होना कितना चाहिए था 540। तो 25 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 5 5 मिनट हम सब में ऐड कर देंगे, 5 5 मिनट। और जब 5 5 मिनट इसमें सब में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, अब करेक्ट इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है। इक्वेशन लगा के ड्रॉ जरूर कर लेना आप, फर्स्ट स्टेप है कि टेबल बनाने के बाद सेकंड स्टेप है ड्रॉ करना इसको। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद थर्ड स्टेप में आपने इक्वेशन लगा के आपने इंक्लूडेड एंगल निकाल लिया, उसका सम किया 540 से, 2n-4 × 90 से जितना भी कम आ रहा है, तो उसमें कितना ऐड करना है आपको 540 करने के लिए, उसको इक्वली सभी एंगल में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। प्लस किया माइनस, आप समझ गए होंगे कब प्लस करना है कब माइनस करना है। तो हमारी टेबल यहाँ तक फिल हो गई है।
अब निकालना है करेक्टेड फॉर बेरिंग और करेक्टेड बैक बेरिंग, ठीक है। तो इसमें आप सबको पता होगा कि सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि कौन सी लाइन ऐसी है जिसकी फॉर बेरिंग और बैक बेरिंग करेक्ट है। तो वो कैसे करते हैं, अब इसको बताओ मेरे को कोई, कि कैसे पता करें कि कौन सी लाइन की दोनों बेरिंग करेक्ट है हमारी। बताओ, ये तो सिंपल है बहुत। कैसे पता करते हैं कौन से स्टेशन करेक्ट है, फ्री ऑफ लोकल अट्रैक्शन है? माइनस कर देते हैं सर बैक हाँ, तो बेरिंग से और कितना आना चाहिए माइनस करने पे? 180 एग्जैक्ट। हाँ, तो 180 जिसमें आ रहा है, यानी कि वो स्टेशन जो है फ्री ऑफ लोकल अट्रैक्शन है, फ्री ऑफ एरर है, ठीक है। तो जब हम इसमें माइनस करके देखेंगे तो कोई दो रीडिंग जो होंगी फोर बेरिंग बैक बेरिंग किसी एक लाइन की, वो करेक्ट होंगी। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों करेक्ट हैं, एग्जाम्पल अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सॉल्व करेंगे इसे, ये करेक्ट है। अब जब ये दोनों रीडिंग करेक्ट है तो इनमें से एक रीडिंग ये वाली, यानी 344, 344 अभी ऐसी रफली लिख रहा हूँ, और ये 164, ये करेक्ट है, ठीक है। अब जब आप ये वाला एंगल निकाल रहे थे, ये वाला एंगल, ग्रीन वाला एंगल निकाल रहे थे जब आप, इंक्लूडेड एंगल, तो यहाँ पे ग्रीन वाला एंगल अब करेक्ट वाला तो आपको गिवन है, ठीक है, और 344 आपको गिवन है। इस इक्वेशन में, ये जो मैं बना रहा हूँ ट्राइंगल, इस इक्वेशन में आपका ये वाला एंगल करेक्ट मिल चुका है आपको, इंक्लूडेड एंगल, और ये वाला जो आपका बैक बेरिंग है करेक्ट है। तो इस पूरी इक्वेशन में 223 जो है ST की फोर बेरिंग है, ये आप निकाल लोगे इजिली, है ना। तो कैसे निकालोगे, क्या था बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन क्या है 344, माइनस फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन क्या है 223, जिसको हम एक्स मान लो अभी, क्योंकि वो तो इनकरेक्ट है, करेक्ट निकालने, इज इक्वल टू इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल आया था आपका इनकरेक्ट एंगल प्लस 5 मिनट जो करके आया था। तो ये इक्वेशन है आपके जिसमें 344 करेक्ट है, हमें यहाँ से पता चला, और एक्स हमें निकालना है, एक्स क्या होगा ST की फोर बेरिंग। तो आपको ST की फोर बेरिंग करेक्ट आ जाएगी। तो इसी तरह से अब ST की फोर बेरिंग करेक्ट आ गई है, तो अब इसी तरह से आप दूसरा इंक्लूडेड एंगल आपको गिवन है करेक्ट, और आप इस तरह से सारी चीज़ें कैलकुलेट करके फोर बेरिंग और बैक बेरिंग करेक्ट कर लोगे। इसमें बताओ किसी को कोई डाउट हो तो, फिर इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं आगे हम। ठीक है, इसका सॉल्यूशन पे चलते हैं। ये इसको सॉल्व हुआ है पूरा का पूरा, लेकिन इसको डिस्कस करना है, ठीक है। ये 50 डिग्री कहाँ से आया, रफली कैलकुलेशन से आपको आइडिया हो जाएगा पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेटिंग। 50 डिग्री कहाँ से आया, जैसे कि मैंने बताया था प्रीवियस बैक बेरिंग, प्रीवियस बैक बेरिंग पी क्यू की क्या है आपकी 123, और फॉर बेरिंग क्या है 73। इन दोनों को जब हमने माइनस किया तो आ गया हमारा 50 डिग्री, करेक्ट। अब आते हैं क्यू आर पे, क्यू आर पे हमारा इंक्लूडेड एंगल आ रहा है 138 डिग्री 40 मिनट। ये कहाँ से आया कि क्यू आर की जो प्रीवियस बैक बेरिंग है, जो बैक बेरिंग है हमारी और जो फॉर बेरिंग है, इन दोनों को हमने माइनस किया, आप देख सकते हो माइनस करके हल्का सा रफली, तो आपका ये आएगा 138 डिग्री 40 मिनट। इसी तरह से आपका आप आर एस की बात करते हैं, तो आर एस में ये जो आया है 131 डिग्री, ये कैसे आया, ये इसकी जो प्रीवियस बैक बेरिंग है इस लाइन की, ये फोर बेरिंग है ये, इन दोनों को जब हमने माइनस किया तो हमारा ये आ गया, ठीक है, ये भी हो गया आर एस। अब एस टी की बात करते हैं, एस टी में 120 डिग्री 40 मिनट आ रहा है इंक्लूडेड एंगल, और ये सारे इंक्लूडेड एंगल इनकरेक्ट हैं, ठीक है। अभी करेक्ट वाली निकालने हमें, तो प्रीवियस बैक बेरिंग क्या है आपकी 344 और 223 है फोर बेरिंग, इन दोनों को जब उन्हें माइनस किया तो ये आ गया 120 डिग्री। अब देखो यहाँ पे देखने वाली चीज़ है, यहाँ पे जो आपका इंक्लूडेड एंगल आ रहा है वो 99 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो ये 99 डिग्री कैसे आया है, क्योंकि हमने प्रीवियस बैक बेरिंग है आपकी 43 और फोर बेरिंग है 303, तो 303 में से माइनस करके तो 99 नहीं आएगा। तो मैंने जो कंडीशन कहा था कि अगर इंक्लूडेड एंगल 180 से ज़्यादा आता है तो उसको 360 से माइनस कर देंगे, ऐसा क्यों करते हैं ये मैं बताया था आपको, यहाँ पे ड्रॉ करके थोड़ा सा इसी कंडीशन को ले लेते हैं, टीपी की कंडीशन को, ठीक है। टी से पी की ओर
कितना एंगल है? 303, यानी कि ये यहाँ पे कुछ, ये है आपका टी और ये है आपका पी, ठीक है। अब टी पे एस टी सी आ रहा है कितना? 223, यानी कि ये क्या है? एस। आपको ये एंगल निकालना है, ये एंगल, ठीक है, जो 99 आ रहा है आपका, ठीक है, जो आपका जहाँ से एस से टी की ओर जो आपका फोर बैक बेरिंग है, एस से टी की ओर बैक बेरिंग है, वो ये है 43। एस से टी की ओर है आपका 223, ठीक है, और टी से एस की ओर होगा आपका बैक बेरिंग, ओ सॉरी ये गलत बन गया है, दोबारा से बनाते हैं इसको। बस ये समझाना चाह रहा हूँ मैं कि इक्वेशन में 180 आपका क्यों माइनस किया, हमें ये दोनों एंगल बना लें एस टी और टी पी, ठीक है, एस टी एस से टी की ओर फोर बेरिंग 223। ये है आपका एस और ये 223 होगा आपका यहाँ पे, ये है एस, ये है टी। अब टी से पी की ओर कितना? 303, ये ठीक है, ये है पी, ठीक है। आपका जो देखो गिवन है, 223 की बात करते हैं, एस से टी की ओर 223, ग्रीन से दिखा रहा हूँ मैं, 223 है ये, 223 पूरा नहीं लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 43 डिग्री जो है आपका वो दिया हुआ है, ये बैक बेरिंग इसकी 43, ठीक है। फिर नीचे टी से पी की ओर दिया हुआ है 303, ये एंगल है 303, और आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है ये एंगल, ठीक है। अगर मैं 303 में से 43 माइनस कर दूं तो एंगल मिलेगा कौन सा हमें? ये एंगल मिलेगा, ये, ठीक है। वही अगर इक्वेशन में लगाता हूँ प्रीवियस लाइन बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, तो हमें आउटर एक्सटीरियर एंगल मिल रहा है हमें, क्योंकि हमारा इंक्लूडेड एंगल जो है 180 से ऊपर आएगा तो एक्सटीरियर बन जाएगा। उसे इंटीरियर निकालने के लिए आपको ये वाला एंगल निकालने के लिए 360 में से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए कंडीशन है कि अगर 180 से ज़्यादा आ रहा है इंक्लूडेड एंगल तो उसको वो एक्सटीरियर बन जाता है, ठीक है। तो आपको ये सारा पता चल गया कि किस तरीके से हमने इंटीरियर एंगल निकाले हैं। अब आता है करेक्टेड एंगल, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है, मैंने कहीं से पीपीटी से उठाया है क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखो 539 35 डिग्री आ रहा है, मिनट आ रहा है, आप में से कोई बता रहा था कुछ और आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी जो इसमें दिया ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो नहीं करेक्शन आ सर, रहा है वो 25, थोड़ा सा गड़बड़ मेरा ही था, अच्छा ठीक है लास्ट ठीक है, वाली बेरिंग थोड़ी गड़बड़। अच्छा तो इसमें जो करेक्शन आ रहा है वो 25 मिनट का आ रहा है। अब 25 मिनट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि पाँच पाँच ऐड कर दिया, देखो यहाँ पे 50 डिग्री 5 मिनट है, तो 50 डिग्री 10 मिनट हो गया, इसमें क्या हो गया? 5 मिनट ऐड कर दिया। यहाँ पे 138 45 है, तो यहाँ पे देखो करेक्शन है, यहाँ पे इसमें गलत लिखा हुआ है, 45 मिनट होगा, 131 डिग्री 131 डिग्री 05 होगा, ठीक है, क्योंकि 5 मिनट है, 120 मिनट 120 डिग्री 40 मिनट, ये ठीक है, 99 डिग्री 10 मिनट 15 हो गया, सब में पाँच पाँच मिनट ऐड कर दिया, अब इनका समेशन 540 आ रहा है, तो यानी कि अब बिल्कुल सही है हमारे इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। अब करेक्ट बेरिंग, क्योंकि डिफरेंस जो है 180 का किस में आ रहा है? आर एस में, आर एस में 180 का डिफरेंस आ रहा है, इसीलिए आर एस जो है हमारी वो करेक्ट होगी, यानी कि ये 164 डिग्री 20 मिनट और 344 डिग्री 20 मिनट करेक्ट है। अब यहाँ से हमारा थोड़ा सा काम स्टार्ट होता है। अब मैं देखो ये वाला सॉल्व करता हूँ, कौन सा एंगल मैं सॉल्व करता हूँ आपका, क्योंकि ये वाला एंगल सॉल्व करता हूँ, ये वाली बेरिंग 223 डिग्री 40 मिनट, ठीक है, 223 डिग्री 40 मिनट, 43 40 मिनट, इसको सॉल्व करते हैं। ये 223 डिग्री 40 मिनट केवल सेम वैसे ही वही वैल्यू आ गई है जो यहाँ पर है, पर ये पहले हम कैल चेक करेंगे, तो ये जो आपका इंक्लूडेड एंगल है ये वाला 120 डिग्री 45 मिनट, ये कैसे निकलेगा? 120 डिग्री 45 मिनट
इज इक्वल टू बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन क्या है, 344 डिग्री 20 मिनट, और माइनस फोर बेरिंग ऑफ 223 जो हमें निकालनी है एक्स। तो मैं ज़रा कैलकुलेटर से करके देख लेता हूँ इसको। 344 डिग्री 20 मिनट माइनस 120 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। तो ये इसमें कैलकुलेशन में गलती है, इसमें इस जहाँ से मैंने क्वेश्चन उठाया, तो ये आ रहा है 223 डिग्री 35 मिनट, ठीक है। 223 डिग्री 35 मिनट करेक्ट हो जाएगी। अब आपका 43 डिग्री निकाल लो आप। 43, आपको वो वाली क्वेश्चन लेके चलना है जहाँ पे एक वैल्यू करेक्ट है, समझ रहे हो। तो सारी आप करेक्ट बेरिंग, फोर बेरिंग और बैक बेरिंग निकाल लोगे। जैसे कि मैंने है ना 223 को पहले सॉल्व करने की कोशिश की, इस वाले को, इसको मैंने सॉल्व करने की कोशिश क्यों की, क्योंकि इसको इक्वेशन में हमारे दोनों नॉन है, हमारा इंक्लूडेड एंगल भी करेक्ट है और हमारा जो उसकी बैक बेरिंग है वो भी करेक्ट है, इसलिए मैंने इसको सॉल्व करने का पहले स्टार्ट किया। तो आपको जैसे कि अब मैं बता दूं 164 कहाँ यूज़ हो रहा है, 164 हो रहा है इस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में। तो 164 तो करेक्ट है, इंटीरियर एंगल भी करेक्ट है, तो आपको 295 डिग्री जो दिया हुआ है बैक बेरिंग, ये आपको सॉल्व कर लेनी है, ठीक है। अगर जब आपकी 295 करेक्ट हो जाएगी, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, 295 करेक्ट हो चुकी है, फिर आप दूसरा कर लोगे सॉल्व। इस तरीके से आपको फोर बेरिंग बैक बेरिंग सॉल्व करनी है। इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। सर हाँ बताओ। अभी खाता आप इनकी जो करेक्ट स्टेशन से जो अगला लेंगे वो भी सही होगा ना हाँ सर? इसमें जो 223 डिग्री वाला है वो 35 मिनट आ रहा है करेक्ट होने के बाद भी, अगर उसमें 230 डिग्री, 223 डिग्री 35 मिनट आ रहा है वो ST पे फोर बेयरिंग करेक्ट होकर। नहीं, इसमें नहीं होगा, क्लोज ट्रेवर्स में नहीं होगा, ये ओपन ट्रेवर्स में बताया था मैंने। अच्छा हाँ ओपन में बताया था मैंने कि जो लाइन फिक्स है। देखो होता क्या है इसमें, देखो फ्री उसमें बता देता हूँ क्लियर उसमें। देखो ये जो ओपन ट्रेवर्स है, जब आप इसमें करेक्शन करते जाओगे, करेक्शन करते जाओगे, करेक्शन करते जाओगे, तो जो लास्ट वाली है वो मूव हो जाएगी आपकी, है ना। लेकिन जो क्लोज ट्रेवर्स है ना, वो सारी फिक्स हैं, सारे एंगल आपके फिक्स हैं, मतलब इसमें करेक्शन आएगा एंगल में, तो हर चीज़ में करेक्शन आएगा, बस एक स्टेशन को छोड़ के जहाँ पे आपका 180 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है वो करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आपको हर चीज़ में करेक्शन करना पड़ेगा। लेकिन ओपन ट्रेवर्स में अगर एक स्टेशन करेक्ट है, तो उससे ली गई रीडिंग, जो कि उस स्टेशन से जो रीडिंग ली गई है वो करेक्ट होगी। इसमें देखो म्यूट कर लो, बहुत तेज जी आवाज आ रही है। कौन है ये, बहुत तेज आवाज आ रही है भाई, किसकी आ रही है। देखो ये जो मैंने जो न्यूमेरिकल मैंने आपको दिखाया है, इसका जो सॉल्यूशन है, इसमें गल्तियाँ हो सकती हैं। मैंने पीपीटी से उठाए हुए यहाँ पे मैंने गलतियाँ बता दी हैं तुम्हें, कि यहाँ पे गलती दी हुई है इन्होंने, 5 5 मिनट ऐड करना है तो उसी में गलती दी हुई है, ठीक है। लेकिन मेथड जो है आपको सॉल्व करने का तरीका वो यही होगा। इसमें केवल जो आर एस है उसकी दोनों रीडिंग करेक्ट हैं, ठीक है, और आपको फिर सारी रीडिंग्स निकालनी है। अब इसमें देखो ये 74, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। और ये वाली जो इन्होंने यही सेम लिख दी है, और ये वाली करेक्ट है आपकी, करेक्शन है इसमें भी, करेक्शन है इसमें भी, करेक्शन है सभी में, करेक्शन है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको टेबल बनानी है, प्रॉपर टेबल में ये वाले कॉलम बना लेना, इंक्लूडेड एंगल, इनकरेक्ट एंगल, करेक्ट एंगल, करेक्ट बेरिंग, करेक्ट फोर बेरिंग, करेक्ट बैक बेरिंग, उसका पूरा डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद आपके पास दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, इंटीरियर एंगल को। एक तो आप ये बताया मैंने कि इक्वेशन लगाओ,
जो भी बताया, बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, अगर 180 से ज़्यादा आ रहा है तो 360 माइनस कर दो। एक तरीका है कि जब आप ग्राफिकली इसको ड्रॉ कर लोगे ना पूरे को, तो आपको खुद ही अपनी आंखों से दिख जाएगा कि किसको क्या माइनस करना है और कैसे इंटीरियर एंगल निकालना है ना। फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पे कि कोई ऐसे एंगल है, ये एंगल हमें निकालना है, और हमारे पास कौन सा एंगल गिवन है, हमारे पास ये एंगल गिवन है और ये एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन है, तो आपको इस एंगल, इस पूरे एंगल में से आपको ये एंगल माइनस कर दोगे तो ये निकल जाएगा। तो आप जब ग्राफिकली इसको ड्रॉ करोगे, क्लोज ट्रेवर्स हो या ओपन ट्रेवर्स हो, तो आपको चीज़ें दिख जाएंगी, तो ड्रॉ कर लेना है। थर्ड स्टेप है आपका कि आपको इंक्लूडेड इनकरेक्ट एंगल निकालना है, वो आप ग्राफिकली निकाल लो या फिर इक्वेशन से निकाल लो, कैसे भी करके निकाल लो, करेक्ट वही आएगा जो आना है। ठीक है, इंक्लूडेड एंगल निकालने के बाद आपको सम करना है, और समेशन में देखना है कि कितने करेक्शन है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो समेशन आया है आपका सारे एंगल का, वो 25 मिनट कम आया है, तो इसलिए 25 का इक्वली डिवाइड में ऐड होगा। अगर ये 540 डिग्री 25 मिनट आता, 25 मिनट एक्स्ट्रा आता, तो आपको क्या करना होता, 5 मिनट हर उसमें से माइनस करना होता। तो उसके बाद करेक्ट एंगल निकाल लेना है, फिर आपको देखना है कौन सी लाइन जो है आपकी, वो स्टेशन कौन सा स्टेशन कहाँ है आपका, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन और फ्री फ्रॉम एरर, उसकी दोनों रीडिंग करेक्ट होगी। फिर वहाँ से आपको सॉल्व करके करेक्टेड फॉर बेरिंग और बैक बेरिंग कैलकुलेट करनी है।